Hey, move it. गाइस, तो आपने स्क्विड गेम के बारे में सुना ही होगा। अगर आपने नहीं सुना है तो वो एक वेब सीरीज़ है जो अभी अभी आई है और उसके ऊपर रोब्लॉक्स का गेम भी बन गया है। अगर आपको उसे डाउनलोड करना है माइनक्राफ्ट के अंदर, तो मैं आपके लिए ये वीडियो लाया हूँ। आपको इसे वीडियो को देखना है और स्टेप्स को फॉलो करना है जिससे आप स्क्विड गेम को अपने फ़ोन में डाउनलोड कर पाएंगे। आपको अब डिस्क्रिप्शन में जाना है वीडियो के और आपको लिंक मिलेगी, आपको उस पर क्लिक करना है और मीडिया फायर पे आप पहुंचोगे। आपको वहां पे डाउनलोड कर लेना है मैप। अब जब आपका वो मैप डाउनलोड हो जाएगा, आप जेड आर्चीवर या माय फाइल्स से उसे अपने माइनक्राफ्ट में डाल पाएंगे। अभी मैं आपको जेड आर्चीवर का बताता हूँ। आपको ये स्क्विड गेम का जो फाइल दिखेगी, आपको उसको होल्ड करना है और उसको कॉपी पे क्लिक करना है। ऊपर डाउनलोड्स दिखेगा, डिवाइस मेमोरी पे जाएं, गेम्स का फोल्डर ढूंढें, उसमें com.mojang और फिर माइनक्राफ्ट वर्ल्ड्स। आपको इस पे आने के बाद इसे पेस्ट कर देना है यहाँ पे। अब आपको माय फाइल्स के लिए उस पे वापस क्लिक करना है और माय फाइल्स पे क्लिक करके माय फाइल्स पे जाना है और इसमें एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन आपको दिखेगा, उस पे आपको क्लिक करना है। अब आपकी फाइल एक्सट्रैक्ट होनी चालू हो जाएगी। अब आपको उस फाइल के ऊपर होल्ड करना है, कॉपी या कट करना है और इंटरनल स्टोरेज पे पहुंच जाना है। अब आपको वापस गेम्स फोल्डर में जाके com.mojang और फिर माइनक्राफ्ट वर्ल्ड्स पे क्लिक करना है और इसको यहाँ पे मूव कर देना है। अब आपको वापस वेट करना है जब तक ये हो नहीं जाता और उसके बाद में आपका काम हो जाएगा। अब आपको अपना माइनक्राफ्ट खोलना है और आपको आपके वर्ल्ड्स में स्क्विड गेम दिख जाएगा। आपको बस वर्ल्ड को ओपन करना है आप इस पे लोड वर्ल्ड एनीवे कर सकते हैं। अब आप देख पाएंगे कि इसमें आपको 3 लेवल्स मिलेंगे। अभी बाद में आपको और देखने को मिल सकती है। मैं हो सका तो अपडेट भी करता रहूँगा इसकी लिंक।